हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूली और आपका स्वागत है जूलीज रेसिपी में। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक टिन ग्रीस कर लेंगे। तो एक मैंने केक टिन ले लिया है, ये 8 इंच का केक टिन है। इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। चारों तरफ फैला देंगे और इसके बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे और उसे चारों तरफ अच्छे से डस्ट कर देंगे मैदे की। इससे हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं और जो एक्स्ट्रा का इसमें मैदा बच जाएगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। अब हम बैटर बनाएंगे। उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम 1/4 कप दही डालेंगे। दही जो है ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, होममेड दही होगी तो बहुत अच्छा है। फिर इसके अंदर हम 1/4 कप ही ऑयल या फिर मेल्टेड बटर डालेंगे। ऑयल हम कोई सा भी ले सकते हैं, बस उसमें किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। फिर हम एक बिस्कर की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंटना है इसको। उसके बाद हम इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और 1/2 कप हम इसमें पिसी हुई चीनी लेंगे। इसको अच्छे से छान लेंगे, आप बिना पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हम अच्छे से छान लेंगे और ये देखिए जो ऊपर का थोड़ा सा बच गया इसे हम हटा देंगे, इसे हम इसको ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। चीनी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। वापस से हम इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 कप मैदा डालेंगे, ये 240 ml वाला कप है। इससे मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। इसे भी हम छान लेंगे, इससे मैदे को, और इसे बीच बीच में मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हमारा बैटर इसके अंदर लम्स ना बने। मैदा छानते जाएंगे और बीच बीच में इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जो ऊपर का थोड़ा सा मैदा बच गया है इसको हम चम्मच की हेल्प से इसको हम कर देंगे। ये देखिए फिर से हम इसे छान लेंगे। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बच जाएगा इसे हम निकाल के फेंक देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। 1/4 कप ही मैंने पानी लिया है, सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है आपको, जितना ज़रूरत है उतना ही ऐड करेंगे, इकट्ठे पूरा पानी ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसे। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे इतना ही अच्छा आपका केक का स्पॉन्ज बनेगा। बाकी का जो मैंने पानी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 कप मैंने इसके अंदर पूरा पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको। अब इसके ऊपर हम वापस एक स्ट्रेनर रखेंगे, उसके ऊपर हम 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर ऐड करते हैं तो केक का जो स्पॉन्ज होता है बहुत टेस्टी बनता है। देखिए अच्छे से मैंने इसे छान लिया है मिल्क पाउडर को। वापस से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया हमारा ये। अब इसके अंदर हम कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे। कोकोआ पाउडर को भी छान के ऐड करना है, तो स्ट्रेनर लेना है और 3 टेबल स्पून इसमें हम कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे। देखिए मैंने 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर लिया। मैंने ये हर्शीज़ का कोकोआ पाउडर लिया है, ये अनस्वीटेड है। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, मैंने ये हर्शीज़ का लिया है। इसको हम छान लेंगे अच्छे से। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर बच गया, इसको भी हम चम्मच से प्रेस करते हुए इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छान लिया मैंने कोकोआ पाउडर को। अब हम थोड़ा सा पानी और लेंगे
फिर इसके अंदर डाल के इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है कोकोआ पाउडर डालने के बाद। देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। एक स्ट्रेनर लेंगे, फिर से हम स्ट्रेनर के इसके ऊपर रखेंगे और एक टीस्पून आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर ऐड करना है और हाफ टीस्पून आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। इसको भी हम छान के लेंगे। छानने के बाद देखिए छान लिया मैंने। अब इसके ऊपर हम 1/2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बस 1/2 चम्मच पानी ऐड करना है। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर से। देखिए अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसको हमने जो ग्रीस करके टिन रखा था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सिलिकॉन स्पैचुला की आप हेल्प ले सकते हैं इसमें, इससे सारा जो बैटर है अच्छे से केक टिन के अंदर चला जाएगा। हमारी जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए सारा बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने 10 मिनट पहले ही अपना एक पतीला रख दिया था गैस पे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे रखा था, वो प्री हीट हो चुका है। अब वो हम इसके अंदर जो हमने केक टिन है वो इसके अंदर हम रख देंगे। बहुत आराम से रखना क्योंकि हमारा जो पतीला है बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए रख दिया मैंने और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 1/2 घंटे के बाद इसे हम चेक करेंगे। देखिए केक हमारा फूल चुका है। आप इसमें चाकू की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं और टूथपिक की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद हम केक टिन में साइड से जो चाकू घुमाएंगे ताकि जो हमारा अगर इसमें चिपका होगा केक तो आराम से निकल जाएगा। ऐसे तो चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने मैदे की डस्टिंग किया था इसलिए। अब एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर हम ये उल्टा करके रख देंगे केक टिन और पीछे से टैप करेंगे और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल के आ चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।